पीपल ट्रीज आर विजिबल? यस मैम। ओके, सो नाउ द समरी ऑफ डाइसैकराइड, यू नो सुक्रोज केन शुगर, दिस इज द मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज विद फ्रक्टोज, लैक्टोज, दिस इज द मिल्क शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, अगेन मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, माल्टोज, शुगर ऑफ माल्ट, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, लैक्टुलोज, दिस इज द सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड, लैक्टुलोज, दिस इज द सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड, इट इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. Lactulose, this is used as a medicinal purpose or pharmaceutical purpose in various syrups. Now, polysaccharide. Polysaccharide, they are also called as glycans. These are polymer of large number of monosaccharides. These are made up of various number of monosaccharides. All monosaccharides are linked by glycosidic bond. When the bond is formed, then maybe chain is linear or may be branched. So the polysaccharide may be a linear chain or may be branched structure. Oligosaccharides, what is the oligosaccharide? When the monomer unit, number of monomer unit 10 or less than 10, then it is the polymeric chain is known as oligosaccharide. When more than number of 10 monomer unit is involved for polymerization of monosaccharides, then it is known as polysaccharides. These are soluble in water. Generally, polysaccharides are sparingly soluble in normal water. When the water temperature, means hot water, is used, then these are the soluble. These are neither sweet in taste nor having reducing properties. All polysaccharides, they are not sweet in nature. ये मीठे नहीं होते हैं. और इनमें कोई भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि इसका जो पी ओ एच या पी ओ ग्रुप होता है यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है. एज पर टाइप ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स, पॉलीसैकराइड्स आर क्लासिफाइड एज अ टू टाइप, होमोपॉलीसैकराइड एंड हाइड्रोपॉलीसैकराइड. होमोपॉलीसैकराइड दे आर कंटेन द सेम और सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट or they have same type of monosaccharide unit. They are repeated, repeat and repeat. Heteropolysaccharides, they are contain the two different type monosaccharide units. Ye dekhi. This is the example of homopolysaccharide and heteropolysaccharide. This image is show the homopolysaccharide difference between homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homopolysaccharide, that again two type, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन यानी अनब्रांच्ड और दूसरा होता है आपका ब्रांच्ड. सेकेंड वन हाइड्रोपॉलीसैकराइड, दे आर कंटेन द टू मोनोमर टाइप ब्रांच, ये देख लीजिए. दे आर द मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रांच, आप ये देख लीजिए. यानी इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है इसमें दो टाइप की यूज हो रही है, मल्टीपल जिसमें दो से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट यूज हो रही है. मोनोमर यूनिट क्या है या मोनोसैकराइड्स क्या है, ये वही है जो आपने इसके पहले मोनोसैकराइड्स में पढ़े थे. इसमें आपका सिक्स कार्बन शुगर में आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, ठीक है, गैलेक्टोज आता है, ये सारे सिक्स कार्बन है. ऐसे ही आप फाइव कार्बन पे भी जाइए, ये सारे मोनोसैकराइड्स हैं. ओके, नाउ होमोपॉलीसैकराइड, ऑल्सो कॉल्ड एज होमोग्लाइकन. होमोपॉलीसैकराइड पॉलीमर ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल मोनोसैकराइड monosaccharide units. For example, starch, glycose and cellulose, all these three are the use glucose as a monosaccharide unit and the polymeric form is converted into starch, maybe glycose and maybe cellulose. Inulin, in the case of inulin, they are again homopolysaccharide examples, homoglycans, example of homoglycan. And they contain the monomer or monosaccharide unit is fructose. Means fructose is after the polymerization they are from the inulin. So first one taking the starch. हम स्टार्च को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं. सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर है, पॉलीसेकाइड है. दे आर द स्टोर्ड एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड इन सीरियल्स एंड ट्यूबर्स ऑफ द प्लांट. जो भी आपके प्लांट है वो स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं और ये रिजर्व होता है एज अ फूड इन अ सीरियल्स एंड ट्यूबर्स. स्टार्च
प्लांट में सेव होता है एज अ फूड, रिजर्वायर ऑफ फूड की तरह यूज होता है, और एनिमल्स में आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है. दिस इज द ग्लाइकोजन स्टार्च, दिस इज द एनिमल सॉरी स्टार्च, दिस इज द प्लांट पॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोजन दिस इज द एनिमल पॉलीसेक्राइड विच आर स्टोर्ड एज अ फ्यूल पर्पज. स्टार्च दैट इज द मेडअप ऑफ टू पॉलीसेक्राइड, ये दो पॉलीसेक्राइड से मिलके बनता है. एक पहला पॉलीसेक्राइड होता है एमाइलोज, अल्फा एमाइलोज, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन. स्टार्च में दो पॉलीसेक्राइड चेन्स आपस में जुड़ती हैं, एक होती है अल्फा एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन. अल्फा एमाइलोज भी पॉलीसेक्राइड है और एमाइलोपेक्टिन भी पॉलीसेक्राइड है, ये दोनों ही पॉलीसेक्राइड चेन्स है. अल्फा एमाइलोज दिस इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विद अल्फा 1,4 ग्लाइकोपेरिक बॉन्ड. एमाइलोपेक्टिन दिस इज द ब्रांच मॉलिक्यूल विद अल्फा 1,4 स्ट्रेट चेन एंड अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट वेयर अकर्स आफ्टर एवरी 25 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू. आपके स्टार्च में दो चीजें होती है, एक एमाइलोज अल्फा एमाइलोज होता है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन होता है. एमाइलोज भी पॉलीसेक्राइड है और एमाइलोपेक्टिन भी पॉलीसेक्राइड है. इनमें जो मोनोमर यूनिट या मोनोसेक्राइड यूनिट लगती है वो है आपकी ग्लूकोज. एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से और दूसरा ग्लूकोज तीसरे ग्लूकोज, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के लिए जो स्ट्रेट चेन बनती है बाय द बॉन्ड ऑफ अल्फा 1,4 दैट इज नोन एज अल्फा एमाइलोज. ओके, एमाइलोपेक्टिन दिस इज द ब्रांच मॉलिक्यूल विच आर कंटेन द स्ट्रेट चेन. इसमें स्ट्रेट चेन भी होगी और इसमें एक ब्रांच पॉइंट भी होगा जहां पर बॉन्ड होगा अल्फा 1,6. ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, दे आर कंटेन द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि जो स्टार्च है, स्टार्च के बाद हम इसकी जो पार्ट बनाते हैं जिसमें हमारा डेक्सट्रिन आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है. जो हम स्टार्च से फॉर्म करते हैं जिसमें हमारा डेक्सट्रॉन आता है और डेक्सट्रिन आते हैं, ठीक है, इसके छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उसे हम डेक्सट्रिन बोलते हैं. तो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, आप इसमें देखिए जो स्ट्रेट चेन दिख रही है पहली वाली वो आपकी एमाइलोज है, यहाँ पर अल्फा 1,4 बॉन्ड बन रहे हैं. अब एमाइलोपेक्टिन में क्या है, आपका 1,6, आप देखिए 6 कार्बन पर जो CH2OH है वो फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन के साथ जब भी जुड़ता है एमाइलोज के साथ, और ये इस तरह से एमाइलोपेक्टिन बनता है. एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच का डिफरेंस, एमाइलोज सॉल्युबल इन वाटर होता है, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. एमाइलोज ब्लू इन कलर देता है आयोडीन के साथ, जबकि एमाइलोपेक्टिन रेडिश कलर देता है आयोडीन के साथ. आप कभी स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करिए तो हम आयोडीन के साथ परफॉर्म करते हैं, और आयोडीन के साथ हम करते हैं तो हमें ब्राउनिश कलर मिलता है. एमाइलोज का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हमें ब्लू कलर दिखता है, और एमाइलोपेक्टिन ज्यादा होने की वजह से हमें रेडिश कलर दिखता है. ये दोनों मिलकर के हमें पर्पलिश कलर देते हैं, ब्लू और रेड ये दोनों मिलकर हमें पर्पलिश कलर देंगे. स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड या स्ट्रेट होता है. एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आपने अभी पीछे मैंने आपको दिखाया है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है. 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और सारी की सारी ग्लूकोज यूनिट 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड रहती है. यहाँ पर दोनों ही जो डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं. एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 बॉन्ड भी होगा और अल्फा 1,6 बॉन्ड भी होगा. दे आर अकर्स इन 15 to 20% ऑफ द टोटल स्टार्च. जो आपका टोटल स्टार्च होता है उसके 15 to 20% आपका एमाइलोज होता है, बाकी सारा यानी 80 to 85% जो है वो आपका एमाइलोपेक्टिन होता है जो आपके पास सिंपल स्टार्च होता है. अच्छा, आप कैसे पता करते हैं कि जैसे स्टार्च सिंपल घर में पोटैटो होता है, आप कभी भी पोटैटो को काट के छोड़ दीजिए थोड़ी देर पानी में, उसके बाद उसे हटाइए तो आपको नीचे व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल दिखेंगे, वो क्या है, स्टार्च. ठीक है, स्टार्च की सॉल्युबिलिटी जब आप वाटर पे डालिए, कोल्ड वाटर में डालिए तो सॉल्युबल नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट सॉल्युबल होता है. थोड़ा सा पार्ट जो सॉल्युबल होता है वो एमाइलोज का होता है, बाकी जो एमाइलोपेक्टिन है वो नॉर्मली वाटर में इनसॉल्युबल होता है. जैसे ही आप इस वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो एमाइलोपेक्टिन है वो भी आपका सॉल्युबल हो जाता है. नेक्स्ट वन स्टार्च. स्टार्च स्टार्च दैट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन डाइट. नाउ स्टार्च बिकॉज इट दिस इज द कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन डाइट, सो व्हेन द टेकन बाय टेकन एज अ स्टार्च इन अ डाइट
then first metabolization of starch is done in a mouth by the releasing of saliva. In the saliva, they have the specific enzyme that is known as amylase. This amylase acts on the starch, and the pancreatic juice randomly hydrolyzes 1,4 glycosidic bond of starch and degradate into its maltose, dextrin, maltose and dextrin. Saliva में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज. सबसे पहले स्टार्च पर एक्ट करने वाला जो एंजाइम आता है वो है एमाइलेज. एमाइलेज स्टार्च पर एक्ट करके अल्फा फोर बॉन्ड को थोड़ा सा ब्रेक करता है और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज. जो डाइसैक्राइड शुगर्स होती है वो स्लाइटली स्वीट होती है, स्वीट होती है. तो जो आप डाइट लेते हैं उस डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च जाता है वो सबसे पहले सलाइवा में मेटाबोलाइज होता है. मेटाबोलाइज होने का मतलब ब्रेक डाउन होता है, और वहां पर जो स्टार्च है उसमें जो अल्फा 1,4 बॉन्ड है वो सबसे पहले ब्रेक होता है. और इसी वजह से आपको जो रोटी आप लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट या जो भी आप लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, वो हल्का सा स्वीटनेस इसी की वजह से देता है. नेक्स्ट वन है आपका ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन दिट इज द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ एनिमल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च. स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ एनिमल, एनिमल में जो पॉलीसेक्राइड स्टोर होता है उसका नाम है ग्लाइकोजन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च. इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल बट मोस्ट प्रेविलेंट इन द स्केलेटल मसल एंड लीवर. जनरली ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट हाईली कंसेंट्रेशन दे आर प्रेजेंट इन द लीवर, इन मसल्स एंड इन ब्रेन. स्केलेटल मसल प्रेजेंट इन द प्लांट विद नो क्लोरोफिल. ये उन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है जहां पर क्लोरोफिल नहीं है, जैसे आपका ईस्ट है, जैसे आपका फंजाई. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन विद मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस. बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे एमाइलोपेक्टिन का होता है, बस इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस और ज्यादा होती है. ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट इन द ग्लाइकोजन ज्वाइन टूगेदर बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट द ब्रांचिंग पॉइंट. यहाँ पर ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट यूज होती है ग्लाइकोजन में, जो आपस में ज्वाइंट होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से उसके ब्रांचिंग पॉइंट से. प्रेजेंट इन सेल्स एज ग्रेन्यूल विद हाई मॉलिकुलर वेट. Amylopectin, difference between amylopectin and glycogen. Amylopectin have less branches, but glycogen have more number of branches. They have more number of 1,6 glycosidic bond. It is look like a glycogen is the slightly too much branch, and it is look like a tree like structure. In the liver, glycogen is completely hydrolyzed or completely degraded by the enzyme phosphorylase enzyme, and it is converted into glucose. Completely hydrolysis, it gives the glucose. Glycogen in the liver, glycogen is completely degraded by the enzyme, and finally it is converted into glucose, and glucose is served as the energy sources for all living cells. In the liver, glycogen synthesis and degradation are regulated to maintain the blood glucose level. Glycogen serves as a buffer to maintain a blood glucose level. In contrast, in muscle, these processes are regulated to meet the energy needs of muscle itself. The concentration of glycogen is higher in the liver than in the muscle. Actually, glycogen synthesis and degradation both are done in the liver. Liver, they are the main part where the glycogen is stored in higher concentration as compared to muscles and skeletal muscles. Overall, glycogen, that is the reserve fuel in the case of where the glucose is not updated by the other way. जब किसी भी तरह से अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है ब्लड में, तो हम ग्लूकोज का, हमारी बॉडी ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजन को डिग्रेड करती है.
जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने में ग्लाइकोजन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ग्लूकोज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज हाई देन इट सेल्फ लिवर सेल्स कन्वर्टेड द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज। व्हेन द ग्लूकोज लेवल इज फॉल इन द ब्लड देन अगेन लिवर सेल्स डिग्रेडेड द ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ऐसी कंडीशन कब आती है जब हमें ग्लूकोज की जरूरत हो और हमें बाहर यानी हमारी डाइट से ग्लूकोज नहीं मिलता हो। ऐसा कंडीशन आपका तब आता है जब आप फास्ट कर रहे हैं, यानी आप कंटिन्यूअस या प्रॉपर वे में आप डाइट नहीं ले रहे हैं। अगर आप डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज नहीं आएगा, और अगर आपने ग्लूकोज नहीं लिया है दैट मीन कि अब बॉडी अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसे वो ब्रेक करने लगी या डिग्रेडेट करेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। सेलुलोज दैट इज द बेसिकली प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हियर द बीटा डी ग्लूकोज ग्लूकोजल यूनिट इज रिपीटेड। Beta D glucose unit is repeated. On heating with high concentration of acid, yield disaccharide cellulose, cellobiose, and D glucose. Cellobiose, it is made up of two molecules of D glucose linked together by beta glucosidic linkage between C1 and C4 of adjacent glucose units. That is the most abundant of all carbohydrates because it is present in the plant cell. Very stable insoluble compound. Herbivorous animal utilize cellulose with the help of bacteria. Human being lack of any particular enzyme, so that's why that hydrolyze the beta 1,4 bond and so can't digest the cellulose. It is an important source of bulk in the diet and the major component of dietary fiber, stimulating persistence and elimination of indigestible food residue. Cellulose, this is the basic or primary structural component of plant cells. जो plant cell wall होती है वहां पर cellulose सबसे important होता है। जो herbivorous animals होते हैं वो cellulose को utilize करते हैं या वो उसे digest करते हैं with the help of bacteria. But in case of human being, their lack of an enzyme, they cannot be hard, only hydrolyze beta 1,4 bond. जो बीटा के साथ दूसरा बॉन्ड लगा है ये उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते सो दैट इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट। सेलुलोज डाइजेस्टेबल नहीं है इसीलिए ये डाइट्री फाइबर के फॉर्म में इंक्लूड होता है। आपकी डाइट में जो फाइबर्स आते हैं वो यही है, क्या है? सेलुलोज। ये जो सेलुलोज है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी मेटाबोलाइज और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज दिस टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। So it is act as a fiber, dietary fiber, and this is the very important for stimulating the peristalsis, means through removal of constipation and elimination of indigestible food residue. Next one, chitin. Chitin, it is present in exoskeleton of arthropods. Arthropods, पता है ना? Or insects. It is made up of composed of unit of N-acetyl glucosamine joined by beta 1,4 glycosidic linkage. Second most abundant in the nature. आपको पता है जो arthropods है यानी जो insect है वो सबसे बड़ी family है और यहाँ पर जो hard exoskeleton होता है, for example आपके घर में क्या होते हैं? Cockroach होते हैं, ठीक है? जो कॉकरोच होते हैं, जो कॉकरोच का ऊपर वाला जो लेयर होता है उसमें जो पॉलीसेक्राइड इन्वॉल्व होता है वो होता है काइटिन।
This is the principal component of hard exoskeleton of insects or arthropods. It is a linear polysaccharide composed of N-acetyl glucosamine residue in beta linkage. N-acetyl glucosamine, this is the derivative form of glucose. ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव फॉर्म है, मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था, जहां पर हम OH की जगह पर अमीन ग्रुप लेके आते हैं और उसका एसिटाइलेशन करते हैं, यानी N-acetyl glucosamine residue in beta linkage. Only difference from cellulose is the replacement of hydroxyl group at C2 with an acetylated amino group. आपका जो सेल्यूलोज है और आपका जो काइटिन है, इनके बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर N-acetyl glucosamine यूज होता है, यानी कि C2 कार्बन पर OH की जगह पर acetylated amino group अटैच है. This is the second most abundant in nature. काइटिन नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है और काइटिन से हमारा एक पॉलीसेक्राइड है, यानी आपके फॉर्मुलेशन में जो फार्मेसी है वहां पर हम इसे कैसे यूज करते हैं, व्हेन द काइटिन इज कन्वर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ कीटोसन, कीटोसन दैट इज कम फ्रॉम काइटिन. ये काइटिन से ही आता है. काइटिन क्या है, पॉलीसेक्राइड है और इस काइटिन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करने का, क्योंकि ये वॉटर सॉल्युबल नहीं है, हम इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, व्हेन द ग्रुप विल बी चेंजेड एंड दैट इज फाउंड वेरी गुड. आप ये चीज ध्यान रखिए कि हम पॉलीसेक्राइड में पढ़ रहे हैं, जो भी मोनोसेक्राइड पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल यूज इन फार्मास्यूटिकल पर्पज. ये सारे आपके फार्मास्यूटिकल पर्पज के लिए यूज होते हैं. नॉन डेक्सट्रिन, dextrin that is produced by partial hydrolysis of starch along with maltose and glucose. Dextrin, they are the highly branched homopolymer glucose unit with 1,6,1,4 and 1,3 linkage. Dextrins are often referred to either amylodextrin, erythrodextrin or orthiodextrin. आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम हमारा amylodextrin यानी M6 कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं, erythrodextrin यानी erythrose यानी 3 कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर एक्रोडेक्सिन दैट इज यूज एज ए न्यूक्लियेजेस और ग्लू गम्स यूज इन अ इन्फेंट फॉर्मुलेशन. जो हमारे इन्फेंट फॉर्मूलाज होते हैं हम उनमें यूज करते हैं. इनडाइजेस्टेबल डेक्सट्रिन आर डेवलप्ड एज अ सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट फॉर फूड प्रोडक्ट. जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं वहां पर हम इसे यूज करते हैं, डेक्सट्रिन को. ऑल्सो यूज एज अ थिकनिंग एजेंट इन द फूड प्रोसेसिंग. जब हम फूड प्रोसेसिंग मतलब कुछ भी थिकनर एज अ थिकनिंग एजेंट भी हम इसे यूज करते हैं, डेक्सट्रिन को. दिस इज द इनडाइजेस्टेबल डेक्सट्रिन आर डेवलप्ड एज अ सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट फॉर द फूड प्रोडक्ट. आपको पता है जो लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करते हैं वो लोग इस तरह का फूड डेवलप करते हैं जहाँ पे पर्सन को फील होता है कि उनका स्टमक फील है, बट दे हैव नॉट प्रोड्यूस द कैलोरीज, सो दैट इज यूज एज अ डेक्सट्रिन. नाउ नेक्स्ट वन, डेक्सट्रान. Dextrans, these are the again highly branched homopolymer of glucose. Homopolymer, ये भी आपके homopolymer ही है. Glucose का highly branched polymer है. Synthesized by the action of L-glucosidic monosaccharides, extracellular enzyme produced by organism bring about polymerization of glucose moiety of glucose molecule that is known as dextrans. They differ from dextrin in the structure, contain 1,4,1,6,1,3 linkage. Molecular weight इतने से इतने तक हो सकता है, यानी 40,000 से 75,000 तक migrate कर सकता है. Used as a plasma expander. हम इसे plasma expander की या plasma volume expander की तरह use करते हैं. In the treatment of hypovolemic shock. They are also used as a food additive. Disadvantage, it interferes with the grouping and cross matching. So today we have discussed the different type of polysaccharide, homopolysaccharide, which are the nature of that and what is the property and what is the utility in the pharmaceutical field.